मेरा नाम फिजा सरगर है और यहाँ पे हमें COVID-19 की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट हम अब ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे किसी भी तरह से, पर यहाँ पे हमें लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी चुनाव वैली में ही जनरेट होती है, बट हमें यहाँ पे नहीं दी जाती है अच्छी प्रॉपर तरह से। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर बाहर भेजी जाती है, पर यहाँ पे हमें नहीं दी जाती अच्छी तरह से। आजकल तो बोर्ड बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं बोर्ड के, वो कैसे पढ़ेंगे, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती है पढ़ने में अंधेरे में। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करते हैं कि हमें प्रॉपरली लाइट दी जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अंजरी, पर आप देख रहे हैं द चनाब टाइम। मेरे साथ इस वक्त राजा शकील जी, हमारी टीम इस वक्त एक मकान में हम यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं, इस वक्त जो है लाइट नहीं है और यहाँ पर कुछ बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। हम उनके पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि उनको जो है इस लाइट ना होने की वजह से कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सबसे पहले कैमरामैन से गुजारिश करेंगे आप हमारे साथ आएँ। तो यहाँ पर जो है बच्चे जो है पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा हम अंदर जाएँगे थोड़ा। तो इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त हम आपको बता दें ज़िला डोडा के ठाठरी में मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हमारे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं, हम इनसे 2 मिनट लेंगे, क्योंकि ये 2 मिनट इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो लाइट का इशू है, खाली ठाठरी में नहीं बल्कि चनाब वैली के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है लाइट का इशू है और हर जगह बच्चे इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, इस बात पर हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ राजा शकील हैं, मार्केटिंग एडिटर द चनाब टाइम। मैं इनसे जो है डिस्कस करूँगा जो आजकल लाइट का इशू है, हर जगह बच्चों को फेस करने को मिल रहा है। तो राजा शकील जी, आप हमें कि आपको क्या लगता है कि ये इशू जो है कितना बड़ा इशू है, जो लाइट का इशू इस वक्त बच्चों को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को फेस करना पड़ता है। देखिए अंजर साहब, सबसे पहले मेरी तरफ से चनाब टाइम्स के व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ अंजर साहब कि आपने हमेशा देखा कि हमारा चनाब वैली जो है, ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का हब है। बिल्कुल, यहाँ पे 6 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो है दुनदी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। बिल्कुल, उसके अलावा डोल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो हमारे नाए भी बन रहे हैं, दुनदी में बन रहा है, हमारी द्रामशाला में बन रहा है। उसके अलावा यानी मैं आपको कहूं कि 7 से 8 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर और 4 से 5 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिर्फ हमारे चनाब वैली के अंदर है। लेकिन हमेशा से हमने देखा आवाम को, जितनी भी हमें फ़ोन मौसूल होते हैं, आप देखते हैं कि दिन में हम ऑफिस में बैठे होते कितने सारे फ़ोन मौसूल होते हैं, कितने आज भी कितने कॉल्स आई हमें कि हमेशा लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हमें ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो है लाइट की क्यों प्रॉब्लम होती है। आप देख रहे हैं कि जैसे हमेशा से हमें मोहल्ले के बच्चे भी बताते रहते हैं कि लाइट हमें प्रॉब्लम, पढ़ने में लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, इम्तहानात भी शुरू हुए हैं हमारे। तो आज जब हमने देखा तो हमने एक डिसाइड किया कि हम देखेंगे कि बच्चों को वाकया किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। जी, आप जब जी बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। राजा जी, आपको राजा शकील जी आपको बता दें कि देखो जैसा कि आपने बताया, सही बताया कि यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जबकि सभी नाजरन को पता होगा चनाब वैली में 7 से 8 जो है इस वक्त हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ से बिजली जनरेट होकर बाहर जाती है, तो सब जानते हैं। लेकिन यहाँ के बहुत सारे विलेज अभी भी ऐसे हैं जहाँ आज तक जिन लोगों ने जो है लाइट अपने गाँव में नहीं देखी है। और जैसे हाल ही में पिछले साल ही जो है सर्दियों के टाइम में यहाँ पर हमारे कहरा के एरिया में एक गांव में जो है पहली बार जो है बल्ब जलाया गया, ये हम सभी नेशनल मीडिया ने भी कवर किया उस चीज़ को। तो वो तो एक ट्रेलर था हमारे एरिया में, तो मतलब बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां आज तक जो है लाइट नहीं गई है। चलिए वो तो अलग बात है कि जहां लाइट नहीं गई, जहां आई भी है, अभी शहर की बात करेंगे, जैसे ठाठरी की बात करें, डोडा की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, तो यहां पर जो है लाइट होती तो है लेकिन वो ना के बराबर है। बिल्कुल, जो कर्टेलमेंट टाइमिंग है, पावर कट का टाइमिंग है, बताया जाता है कि 8 बजे आएगी, तो 8 बजे तो आती नहीं है। इस वक्त जो है 8 बज चुके हैं, अभी जब हम यहाँ पर पहुँचे 8 तो बज चुके हैं इस वक्त, जैसे कि अभी मैंने टाइम देखा तो अभी 8 से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक लाइट कहीं भी नहीं है। और ये तो आज, चलो आज अगर दे भी दें, लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए जो कंटेनमेंट टाइमिंग है उस टाइमिंग के हिसाब से जो है लाइट नहीं मिलती है लोगों को, और लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। हर जगह लोग कहते हैं कि टाइम पे लाइट नहीं, और ख़ासकर आज सर्दियां हैं और शाम को जो है अंधेरे में लोग हर वक्त जो है अंधेरे में। मैं खुद जो है जो PDD डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनसे बात करता रहता हूं, तो वो कहते हैं लोड ज़्यादा है, ये है वो है, मतलब फला। अगर लोड ज़्यादा है, सबसे पहला मुझे जो मतलब लगता है कि अगर आज से 10 साल पहले यहाँ पर 100 लोग रहते थे, उनके लिए एक ट्रांसफार्मर था जो जितने
कितने केवी का होगा, तो 10 साल के बाद 100 की जगह यहाँ पर 1500 आबादी हो गई है, मतलब एरिया की एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर वही ट्रांसफार्मर अभी भी वही जो 100 लोगों के लिए था, वही ट्रांसफार्मर अभी 1000 और 1500 लोगों के लिए भी है। तो वो चीज़ जब सिस्टम जो है अपग्रेड नहीं किया जाएगा, अगर PDD डिपार्टमेंट इस पर नज़रसानी नहीं करेगा, सिस्टम को अपग्रेड नहीं करेगा, यहाँ के ग्रिड को अपग्रेड नहीं करेगा, तो लोगों को तो परेशानी आनी है और लोड तो ऑब्वियसली बढ़ तो जाना है। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा अंसर साहब, आप देखिए कि ये जो है कहीं हद तक हमारा जो डिपार्टमेंट है, हमारी इंतज़ामिया जो है, ये मैं कहूँगा कि हमारी इंतज़ामिया की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे पास पावर प्रोजेक्ट हैं, हमारे पास ट्रांसफार्मर हैं, हमारे पास पूरा का पूरा जो है इंतज़ाम है लाइट देने के लिए, और आखिरकार वो अगर हमारे पास पूरा है तो उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता है पूरी तरह से? अगर आपने कहा कि एक ट्रांसफार्मर था 10 साल पहले, 30 साल पहले वो 100 घरों को देता था, अब उसी जगह पे 200 या 300 घर हैं, तो ग्रिड बनाया गया, उसके लिए वो भी सोचना है कि किस तरह से हमें लाइट उनको देनी है, क्या ये लाइट पूरी हो सकती है, क्या अगर ये पूरी है तो किस तरह से हमने देनी। जब इंतज़ाम, आपने वही कहा कि मैं इंतज़ामिया से बात करता रहता हूँ, जैसे कि हम इंतज़ामिया से बात करते रहते हैं, PDD डिपार्टमेंट से हमेशा बात करते रहते, तो वहाँ से जवाब यही आता है कि निजी आज यहाँ पर प्रॉब्लम है, आज यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें लोड ज़्यादा है। आखिर जब गर्मियों में लाइट लोगों को मिलती है वही लोड होता है, तो सर्दियों में एक्स्ट्रा लोड कहाँ से होता है? ये सोचने की बात है कि एक्स्ट्रा लोड का जी बिल्कुल। जहाँ पर मैं आप इस पॉइंट पर हमें ज़रा PDD वालों की साइड लेना चाहूँगा, जैसे कि PDD वालों का अक्सर ये कहना है कि सर्दियों में बॉयलर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा क्या हीटर बाहर की जगहों पर लगाए नहीं जाते हैं? चलिए ठीक है, हीटर का लोड है या बॉयलर्स का लोड है, ये लोगों की गलती है। आपको मैं बताऊँगा हीटर्स का लोड है, अगर लोग हीटर्स लगा रहे हैं चलो उसके लिए तो कार्रवाई है, लेकिन दूसरी जो हमारा चुनाव वाली ही यहीं से बिजली जनरेट होती है, नहीं ये यहाँ पे क्यों नहीं लाइट पॉइंट, मेन मुद्दा तो यही है। अगर जैसे हीटर जो है, कोई कस्टमर जो है, कंज्यूमर जो है हीटर लगा रहा है, तो उसके उसको जो है फाइन हो या चार्जेस हो जो भी हो, मगर अगर नहीं हो रहा है, मैंने लोड ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर अपग्रेड क्यों नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। अगर जो मैंने जैसे कहा कि ट्रांसफार्मर जो 100 लोगों को किसी टाइम में बिजली दिया करता था, वही आज 1500 लोगों के लिए है, 2000 लोगों के लिए अपग्रेडेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे जो है महसूस होती है हर जगह पर, जो खिताब चुनाव की बात करें और जो बिजली की बात की आपने, जो यहाँ से बाहर जाती है, तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त जो है चुनाव वैली का, कि यहाँ के लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है, यहाँ की बिजली जो है यहाँ से जनरेट होके बाहर जाती है और वहीं से हमें वही बिजली बेची जाती है, उसका हम यहाँ के लोग जो है बिल पे करते हैं। टाउन की बात करें 750 के आसपास जो है बिल है, और जो है बाकी जगह भी, मतलब चलो जितना भी बिल है, लोग तो बिल देने के लिए तैयार थे, लेकिन मसला ये है कि बिजली तो मिले, बिजली ही टाइम की नहीं मिलती, तो बिल किस बात का लेते हैं? आप देखिए, ये आज ही का हाल नहीं है, हमेशा से हम देखते आए हैं, जब से हम देख रहे हैं, जब से यहाँ चनावली के अंदर हम चल रहे हैं, जब से हम होश में आए हैं, तब से यही प्रॉब्लम देख रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर, ये तो अभी इस वक्त हम सिटी में हैं, जिसको मैं कहूँगा कि सेंटर है, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे उतर के आते हैं, यहाँ के हालात यहाँ पे जो है देखने आते हैं, सीखने आते हैं कुछ यहाँ पे कि यहाँ पे अच्छा होगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर वही हाल होगा गाँव वाला, जो हाल टाटा के अंदर है, जो हाल अभी नांद्रा के अंदर है, जो हाल अभी मतलब दूर दराज इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ हम पहुँचे के अंदर ऐसी जो है प्रॉब्लम्स आ रही लाइट की, लोग हमें फ़ोन करते हैं कि नहीं जी हमें लाइट नहीं है, क्योंकि एक परेशानी बन गई है लोगों की, जब भी इंतज़ामिया के पास जाते हैं वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होता है, जब भी डिपार्टमेंट के पास कहीं जाते हैं वो तो वहाँ सुनने वाला नहीं होता है, तो वो आखिरकार जो है मीडिया का रास्ता इख्तियार करते हैं, और हमेशा आपने खुद देखा कि हमने भी इस चीज़ को लेके कितने प्रोटेस्ट जो है कवर किए हैं अभी तक, कितने प्रोटेस्टों की कवरेज हमने दी है। और ऐसा भी हुआ कि लोग, जैसे कि आप देख रहे थे, हमें फ़ोन आया कि लोग कह रहे थे कि आप जब अगर ऐसा ना हो तो गवर्नमेंट हमें बता दे, हमें डिपार्टमेंट बता दे, हम रोडों पे आ जाएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आपको बता दें जो डिपार्टमेंट की लापरवाही, थोड़ा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर रिसेंटली ठाठरी की ही बात करूँगा, यहाँ पर जो जामे मस्जिद का एरिया है, तो वहाँ पर 2017 में जो है फ्लड आता है, जो बहुत बड़ा हादसा जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, एक बहुत दुखद हादसा था। उसके बाद जो वहाँ पर बिजली के पोल जो हैं, 3 बिजली के पोल वहाँ पर थे, उस महल्ले को जो बिजली देते थे, तो वो बह गए थे। तो उसके बाद जो ब्लॉक दिवस हुआ, माई टोन माई प्राइड प्रोग्राम हुए, तो वहाँ पर ये बात उठाई गई, और चुनाव टाइम्स पे खास करके कवरेज जो है मैंने जो है खुद वहाँ के रेजिडेंट से इंटरव्यूज़ किए थे, तो उनने कहा था कि हमें पोल चाहिए। तो उस वक्त जो एश्योरेंस मिला था उनको कि
कब हुआ था, माइट ऑन माई प्राइड पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, तीन पोल जो है उन लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं। कल ही मुझे वो वहाँ के जो है सलीम भाई वहाँ से बता रहे थे कि अभी तक हमें वो तीन पोल नहीं मिले, हम क्या करें, हम सड़कों पे आ जाए क्या करें। पोल की बात की तो आपको बताता चलूँ कि जैसे कि गवर्नमेंट ने स्कीमें बहुत सारी बनाई है, बहुत सारे स्कीमों का दावा भी कर रही है, लेकिन आप अगर यहाँ से बाहर जाएंगे गांवों के अंदर हमारे रोडों के अंदर देखेंगे पोलों के ढेर लगे हुए हैं, बिल्कुल बहुत सारे ढेर हैं पोलों के, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं लगा, लगाया क्यों नहीं जा रहा है, वो किस लिए रखे हुए हैं। और आपको आपको मैं हमारे पास जो है वीडियो भी मौजूद है और वो भी मैं आपको बताऊं कि जोड़ा के एक इलाके के अंदर रोड पे पोल तकरीबन 200 से 250 पोल हैं और बाढ़ आने की वजह से वो पोल वहाँ से जो है बह भी गए, खिसक गए और कुछ जमीन के नीचे दब गए, लेकिन आप उनको पूछने वाला नहीं, कोई कोई उठाने वाला नहीं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है इंतजामिया की और हमारी जो है सरकार की भी कमजोरी है। अगर सरकार चीज दे रही है वो उसकी उसके लिए देखभाल क्यों नहीं कर रही है। बहरहाल हम जो है देखेंगे, क्योंकि जो आपने कहा कि ब्लॉक दिवस हुआ वहां पे वादे किए गए कि तीन पोल लगाएंगे, हम ये करेंगे, हम यानी जो काम होंगे उनको हम सर अंजाम देंगे, अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन आपको कहना चाहता हूं मैं कि ब्लॉक दिवस के वक्त जब भी हमारी बात होती इंतजामे से, निजी हम करेंगे, लेकिन उसके बाद अभी तक वो फ़ोन पे ही बताते हैं कि निजी हम ये करेंगे हम वो करेंगे। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा यहाँ से इस वक्त जो हालात हम बच्चों की देख रहे हैं, हम बच्चों से भी बात करेंगे और किस तरह से इनको मुश्किलात का सामना पड़ रहा है, और हम इंतजामिया से भी इन डिपार्टमेंट के जो अहदेदारान हैं उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि अगर ब्लॉक दिवस होता है वहाँ आप बताते हो कि ये काम ऐसे करना है और हम करके दिखाएंगे, आखिर वो होता क्यों नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये जो प्रोग्राम्स इतने सारे किए जा रहे हैं, चाहे मतलब पब्लिक ग्रीवेंस प्रोग्राम इनको हम कहेंगे, तो लोगों के सामने तो मतलब ऑफिसर्स तो मिल रहे हैं लोगों के, जैसे ब्लॉक दिवस की बात हमने की तो यहाँ माइट ऑन माई प्राइड की, तो ऑफिसर तो ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इतना फ़ायदा हुआ कि हमें पता चला कि यहाँ पर भी डिपार्टमेंट है, काम हुए नहीं हुए वो अलग बात है, बट काम होने चाहिए। मेन चीज़ है कि लोगों के मसले हल होने चाहिए। अब अगर बिजली का ही मसला इतना बड़ा मसला है जो चिनाब वैली का, अब डिविजनल स्टेटस की यहाँ पर बात होती है बहुत सारी चीज़, वो किस लिए होती है, क्योंकि यहाँ इश्यूज़ ही बहुत ज़्यादा हैं जो यहाँ पर जो है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो यहाँ की वो वीक है, यहाँ की लीडरशिप वीक है, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वीक है, जो हमारी स्टेट लेवल की या यूटी लेवल की जिसको हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर ध्यान नहीं देती है, तो यहाँ के लोगों के साथ इतनी जो है सौतेली माँ का व्यवहार किया जाता है, तो ये एक सोचने की बात है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि इस बात पर नजर। जैसे कि आपने बात की कि यहाँ की पॉलिटिक्स जो है वीक है, पॉलिटिक्स वीक होने का मतलब ये है कि हमारे जो रहबर हैं यहाँ के, हम जो मतलब अपनी जगहों के रहबर जो हैं वो बोलते कम है, बिल्कुल वो सामने नहीं आते हैं, सामने नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, या तो मैं यही समझूंगा कि वो अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं, वो कमजोरी सामने आ रही है, या तो और कोई कमजोरी। लेकिन बीच में आपको एक बात बताऊं, जो डिविजनल स्टेटस की आपने बात की, यहाँ पे जो है हर पार्टी ने हर तबके ने जो है एक आवाज उठाई है और आवाज उठा के वो इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे ये ओहदा मिलना चाहिए, हमें ये जो स्टेटस मिलना चाहिए। तो मैं लोगों को भी दरख्वास्त करता हूं, जो भी जब तमाम लोग हैं चिनाब वैली के जितने भी लोग हैं उनसे यही दरख्वास्त रहेगी कि अगर वो लोग किसी भी तबके से हैं, किसी भी पार्टी से वाबस्ता हैं, चाहे कैसे भी हैं, आज इस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं और लोगों को भी यूनाइट होना, मिल के जो है हमें जो डिविजनल स्टेटस का जो है ओहदा है, डिविजनल स्टेटस का जो स्टेटस है, डिविजन का जो स्टेटस है उसको हासिल करना है, क्योंकि उससे हमारे जो है छोटे बड़े इशू जो हैं हल होंगे। और कुछ लोग जो हैं हमेशा से हमने देखे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक मतलब वहाँ क्वेश्चन मार्क करते हैं कि हमें लाइट नहीं है जी यहाँ पे, तो डिवीजन कैसे मिल सकती है। उन भाइयों से मैं गुजारिश करूँगा, उन साथियों से गुजारिश करूँगा कि देखो भाई, जब हमारे पास डीसी बैठेगा, एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट में डीसी होगा तो डीसी होने के बाद ही हम एप्लीकेशन उसको देंगे जी। तो यही मुद्दा है कि जब हमारे पास डिवीजन होगी, डिवीजन होने के बाद हमारे ये छोटे बड़े मसले जो है हल होंगे जी जी। जब हमारे पास डिवीजन ही नहीं होगी, जब डिवीजन, बहुत अच्छा पॉइंट का जो डीसी का जो एग्जांपल आपने दी, बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि हमारे अगर हम डिस्ट्रिक्ट की डिमांड करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है, तो इस वक्त वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नहीं है और उनको जो है डोडा आना पड़ता है, वहाँ के लोगों को फार फ्लंग एरियाज हैं, भद्रवाह में काफ़ी जेन्युइन डिमांड है भद्रवाह के लोगों के लिए, जो खास करके क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, तो उन लोगों को जो है डोडा आना पड़ता है इतनी दूर और
मेहनत मशक्कत करके वो जाते हैं, मतलब उनके आजकल तो कोविड के दौर में मजदूरी भी ठीक से नहीं मिलती है। तो चल जब एक डीसी के लिए हमें उनको इतनी मुश्किलात का सामना, जब उनको डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, उनको उनका डीसी उनके एरिया में बैठेगा तो उनको कितना आसानी होगी। वैसे ड्यूकॉम की बात है, जो बड़े बड़े इशूज़ लाइट के इशूज़ हैं या बाकी जो डोमेस्टिक इशूज़ यहाँ अपने एरिया के हैं, तो यहाँ पर जो है डिविजनल स्टेटस जब मिलता है तो ड्यूकॉम यहाँ पर बैठेगा, यहाँ की रोड्स की जो प्रॉब्लम्स हैं। अभी हम जैसे ड्यूकॉम जम्मू हैं तो बिलाशक हम ये नहीं कहेंगे कि वो काम नहीं कर रहे हैं, वो काम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका रिसेंटली विजिट भी था यहाँ पर। लेकिन अब इतना बड़ा एरिया है, आबादी भी बहुत ज़्यादा है, तो इतने बड़े एरिया को मुझे नहीं लगता ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ड्यूकॉम बैठेगा तो मुझे लगता है कि किसी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ड्यूकॉम जो है काम अच्छा कर रहा है, हमारे इंतजामिया जो है काम अच्छी कर रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे ड्यूकॉम सब जम्मू में बैठे हैं। बिल्कुल, जम्मू से उनको क्या पता है टाटा कौन सी जगह है, कागजों के अंदर तो उनके सामने जा रहा है, टाटा की हालात को पता नहीं है, टाटा यहाँ की टोपोग्राफी उनको पता नहीं है। तो इसलिए जब यहाँ पे ड्यूकॉम साहब बैठेंगे, और वो मैं इतना कहूँगा कि ज़्यादा नहीं, महीने में दो चक्कर वो काटेंगे, जैसे कि आपने देखा कि डीसी साहब यहाँ पे थे, डीसी साहब टाटा पहुँचे, जहाँ 2-3-4 घंटे लगते हैं पैदल चलने में। वहाँ पहुँचे, हमारे एसडीएम साहब वहाँ पहुँचे, अलग अलग जगहों के कालजुगासर तक पहुँचे। जब ड्यूकॉम साहब यहाँ होंगे और उनको नज़र होगी, और वो हर ऑफिसर सोचता है कि मेरे इलाके में तरक्की कैसे हो, हर ऑफिसर सोचता है कि जो है किस तरह से मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ और यहाँ के लोगों को मेरी तरफ से कैसा फ़ायदा किस तरह से। तो बहरहाल हम बात जो है बिजली की कर रहे थे जी। और बिजली जो है हमारा मकसद आज वीडियो बनाने का जो था, मैं आपको बताता चलूं कि यही मकसद है कि हमने सोचा कि आज हम अपने इलाके में जाए, अपने जो हमसाई इलाके में गांव मोहल्ले में जाए, हम देखें कि बच्चे जो हैं किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या आज इम्तहान हैं वो किस तरह से जो है शुरू कर रहे हैं, क्या उनको पढ़ने में किस तरह की जो है परेशानियाँ आ रही हैं जी जी। तो अभी आप देख रहे थे चुनाव टाइम से आज का जो लाइट का इशू है, तो हम आखिर में इंतजामिया से अपील करना चाहेंगे, जैसे कि अभी हमारे पीछे बच्चे हैं तो इनको भी अभी काफ़ी पढ़ना है, तो हम इंतजामिया से अपील करेंगे कि जो लाइट का इशू है इस पर ज़रा नज़रसानी करेंगी। ये खाली ठाठरी की बात नहीं बल्कि पूरे चिनाब वैली की बात, चाहे वो रामबंद हो, डोडा, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो या बानिहाल हो, कोई भी जगह हो, हर जगह जो है प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ रही है। तो आप देखते रहें द चिनाब टाइम्स, बहुत बहुत शुक्रिया।